हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। मैं आज मेरे इस वीडियो में जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हैं। कल का टॉपिक था हमारा कॉम्प्लेक्स टिशू। कॉम्प्लेक्स टिशू को कॉम्प्लेक्स टिशू था, और कॉम्प्लेक्स टिशू में भी हमने बताया था भैया कि एक तो क्या होता है आपका जाइलम, और दूसरा कौन सा था, फ्लोएम था। जाइलम के बारे में हम बात कर चुके थे कि इसमें क्या होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होते हैं इसके तत्व, मतलब एक तरह से जाइलम के तत्व होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। इन सब के बारे में कल जो हमारी लास्ट टाइम बात चल रही थी वो हमारी बात वाहिका और वाहिनिकाओं के बारे में हो गई थी। वाहिका और वाहिनिकाओं के बारे में बात हो गई थी। तो जाइलम के बाद जो हमारी बात हुई थी वो किसके बारे में हो गई थी, वाहिनिकाओं के बारे में। अब जो हम बात करेंगे जाइलम में, वो बात करेंगे जाइलम के पैरेन्काइमा के बारे में, जाइलम मृदुतक के बारे में, कि जाइलम मृदुतक किस प्रकार का होता है। कल लास्ट टाइम ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स के बारे में पूरी बात हो गई थी। इसके अलावा जाइलम तंतु के बारे में भी बात हो गई थी कि जाइलम तंतु किस प्रकार का होता है, जाइलम तंतु क्या काम करता है। अब जो बात करेंगे हम वो जाइलम मृदुतक के बारे में बात करेंगे। फिर भी मैं बात को रिपीट करते हुए, जो आपका था वो जाइलम तंतु बताता हूँ। स्टूडेंट, जाइलम तंतु क्या है, जाइलम तंतु की खास बात है, जाइलम तंतु दृढ़ ऊतकीय है, दृढ़ोत्की तंतुनुमा संरचना होती है, तंतुनुमा संरचना होती है जिनकी कोशिका भित्ति, जिनकी कोशिका भित्ति अत्यधिक स्थूलित होती हैं। इनमें कोशिका गुहिका, बहुत छोटी होती है। और कभी कभी नहीं भी होती है भाई। तीन बातें की जाइलम तंतु दृढ़ ऊतकीय तंतुनुमा संरचना है, यानी दृढ़ ऊतक होता है भाई। उसके अलावा जिनकी कोशिका भित्ति अत्यधिक कैसी होती हैं, स्थूलित होती हैं। तीसरी बात, इनमें कोशिका गुहिका बहुत छोटी होती है और कभी कभी नहीं भी होती है, नगण्य होती है। अब बात करेंगे हम इसकी संरचना कैसी कैसी है। तो
ये इसकी कुछ संरचना है स्टूडेंट्स। ये आपके दोनों तंतु की संरचना है, जाइलम तंतु की संरचना है। तंतु की संरचना किस प्रकार की होती है, इसके अलावा ये भी तंतु की संरचना में आ जाता है। इसके अलावा ये वाहिनिकाओं की संरचना में आता है, मेनली तो वाहिनिकाएँ, लेकिन वाहिनिकाओं में भी तंतु पाए जाते हैं, वो संरचना है ये। और ये जो संरचना है वो जाइलम तंतु की नॉर्मली संरचना है। स्टूडेंट्स आगे हम बात को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है। जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में हम बात करेंगे। मेनली यदि कार्यों के बारे में बात करें, हम बात करें इसके कार्य कौन से हैं जाइलम तंतु के, तो एक तो यांत्रिक शक्ति प्रदान करने में, दूसरा अथवा सहारा प्रदान करने में, तीसरा मंड तेल इत्यादि पदार्थों का संचयन करने में, ये सभी हैं वो एक तरह से कार्य हैं किसके, जाइलम तंतु के। अब जो हम बात करेंगे वो जाइलम विद्युतक के बारे में करेंगे स्टूडेंट्स। इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको थोड़ा बेसिक जानकारी रहे। ये जाइलम के बारे में बात चल रही है, यदि जाइलम के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। जाइलम वाहिनिकाओं के बारे में, वाहिकाओं के बारे में, जाइलम तंतु के बारे में, जाइलम विद्युतक के बारे में, तो काफ़ी बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं। छोटी छोटी सी बात करेंगे तब भी काफ़ी हो जाता है। अब हम बात करेंगे जाइलम विद्युतक के बारे में। जाइलम विद्युतक, इंग्लिश में बोलते हैं भैया इसको जाइलम पैरेन्काइमा। स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। होता क्या है, जाइलम यह इनकी कोशिकाएं, किसकी कोशिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त जीवित कोशिकाएं हैं भाई, जीवित कोशिकाएं होती हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम, प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। सामान्यतः प्राथमिक जाइलम में स्टूडेंट्स, प्राथमिक जाइलम में मृदुतक अधिक होते हैं भाई, अधिक होते हैं, और द्वितीयक जाइलम में मृदुतक कम होते हैं। इसकी तुलना में, प्राथमिक जाइलम की तुलना में द्वितीयक जाइलम में मृदुतक कम होते हैं।
उसके अलावा बात करें जो द्वितीयक जाइलम है वो अपेक्षाकृत कैसी होती है, मोटी होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक जाइलम अपेक्षाकृत मोटी होती है भाई, मोटी होती है जो लिग्निन युक्त होती है, लिग्निन युक्त होती है, इसे कास्ट इसे कास्ट मृदूतक कहते हैं। इसके अलावा आपके जाइलम मृदूतक के कार्य क्या हैं, ध्यान से समझे स्टूडेंट, इनकी कोशिकाएं किसकी, जाइलम मृदूतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, पतली होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती हैं। सामान्यतः प्राथमिक जाइलम में मृदूतक अधिक होते हैं, द्वितीयक जाइलम अपेक्षाकृत मोटी होती है जो लिग्निन युक्त होती है, इसे कास्ट मृदूतक भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जाइलम मृदूतक के कार्य क्या हैं, जाइलम मृदूतक के कार्य क्या हैं। तो जाइलम मृदूतक का जो मुख्य कार्य है वो है पदार्थों का संग्रहण, तथा ये कुछ हद तक जल संग्रहण का भी कार्य करते हैं। बात करें कार्यों के बारे में तो इनके दो ही कार्य हैं भाई, एक तो पदार्थों का संग्रहण, इसके कार्यों के बारे में यदि मैं बात करूं तो पदार्थों के संग्रहण में और जल के संचरण में, ये दो ही कार्य हो गए इसके। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये तो जाइलम के एक तरह से तत्व हो गए, अब हम जाइलम की और डिटेल से बात करें तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम यानी कि आदि धारक और मध्यधारक, उसके अलावा प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम, इनमें अंतर की बात हम कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जाइलम के अंदर जो टॉपिक है भैया, वो टॉपिक हमारा होगा आदि धारक और मध्य धारक में अंतर। जाइलम की संरचना हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे प्रोटो जाइलम और मेटाजाइलम में अंतर, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में अंतर पढ़ेंगे। जो पहला अंतर है वो अंतर क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आदि धारक, इसको हिंदी में आदि धारक बोलते हैं भाई, आदि धारक तत्व पहले विकसित होते हैं किसमें, जाइलम में पहले विकसित होते हैं, और ये आदि धारु की तुलना में लेट विकसित होते हैं या बाद में विकसित होते हैं। नेक्स्ट बात करें, इसमें वाहिकीय तंतु या वाहिकीय तत्व अपेक्षाकृत संकरे होते हैं भाई, संकरे, और इसमें कैसे होंगे,
इसमें चौड़े होते हैं, कौन वाहकीय तत्व, इसमें जाइलम तंतु, इसमें तंतु अनुपस्थित होता है अथवा कम होता है, अनुपस्थित होते हैं, वह मृदु तक अधिक होता है, अधिक होता है। जबकि बात करें इसकी तो इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें तंतु अधिक, जबकि मृदु तक कम होता है। स्टूडेंट्स मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, इसका नाम प्रोटोजाइलम हिंदी में बोलते हैं आदिदारुक, इसको बोलते हैं मेटाजाइलम, इसको बोलते हैं मध्यदारुक, मध्यदारुक। ऐसे जाइलम जो पादप के मध्य में रहते हैं उनको मध्यदारुक द्वितीयक जाइलम वाली कंडीशन होती है, और ये प्रोटोजाइलम प्राथमिक जाइलम वाली कंडीशन होती है। इसमें आदिदारुक तत्व में जो पहले विकसित होते हैं जाइलम के अंदर, और इसमें आदिदारुक की तुलना में ये बाद में विकसित होते हैं, लेट विकसित होते हैं। बात करें वाहकीय तत्वों की तो ये अपेक्षाकृत सक्रिय होते हैं, किसमें प्रोटोजाइलम में, और इसमें क्या होते हैं चौड़े होते हैं। बात करें इसमें तंतु, जाइलम तंतु इसमें अनुपस्थित हैं और मृदु तक इसमें क्या हैं अधिक हैं, जबकि इसमें तंतु अधिक हैं और मृदु तक कम होते हैं। तो ये जो डिफरेंस था वो किसमें था, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में था स्टूडेंट। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम में अंतर के लिए। जाइलम के इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट कर देंगे, कल बात करेंगे फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम कैसा होता है, पोस्ट वहाँ किसको कहते हैं उसके बारे में। बात करेंगे अब हम किसके बारे में, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम के बारे में। एक साइड में आप प्राथमिक जाइलम डाल लें, तो अपनी कॉपी या जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें प्राथमिक जाइलम, और दूसरी तरफ डालना है आपको द्वितीयक जाइलम, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम। पहला इसमें जो पॉइंट है, प्राथमिक जाइलम का विभेदन प्राक एदा तने वे मूल की से होता है, और इसमें भाई यह एक पार्श्व विभिजोतक संवहन ऐदा से विभेदित होते हैं। दूसरी बात, वाहकी तत्व लंबे व सकरे होते हैं। इसमें वाहकीय तत्व चौड़े
वह छोटे होते हैं। इसके अलावा इसमें प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक जाइलम आदिदारों अंत आदिदारों अथवा मध्यादिदारों प्रकार की हो सकती है, जबकि इसमें भाई द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम में आदिदारों एवं अनुदारों में विभेदन न होने के कारण ऐसी स्थिति नहीं होती है। मैं तीन ही पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा। पहला पॉइंट, प्राथमिक जाइलम में, प्राथमिक जाइलम विभेदन में प्राक एदा तने मूल से होता है, जबकि उसमें पार्श्व विभ्योतक समवयन एदा से विभेदित होता है। वाई के तत्व लंबे व सकरे होते हैं, इसमें वाई के तत्व चौड़े व छोटे होते हैं। इसमें प्राथमिक जाइलम आदिधारुक में, अंत आदिधारुक में, मध्य आदिधारुक में विभेदित हो सकता है। उसमें आदिधारुक एवं अनुधारुक में विभेदन नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति नहीं होती है, यानी कि उसमें प्राथमिक प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की कंडीशन नहीं है। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की कंडीशन प्राथमिक जाइलम में ही होगी। इसके अलावा इसमें अरीय व अक्षीय, अरीय व अक्षीय रे बनती हैं, जबकि इसमें नहीं बनती। स्टूडेंट, ये अंतर हो गया आपका प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम के बारे में। आपने आज पढ़ा, जो क्या पढ़ा, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में अंतर, जाइलम तंतु के बारे में, जाइलम मृदु तक के बारे में, द्वितीयक जाइलम में प्राथमिक जाइलम के अंतर के बारे में। स्टूडेंट, जाइलम आपका कंप्लीट हुआ, कल से हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपकी ये वीडियो बहुत समझ आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।